महंगाई की सर पेट्रोल गरीब ने किसानों की पैदावार का कोई कीमत नहीं मिल रही। सरकार ने कहा आए रोटी नई सरकार खाली पानी लेकर के आई है जिससे किसानों की जमीनें चली गई। आप जो है किसानों की जो लागत है वो भी नहीं निकल रही है, किसानों को उनका लागत हमारे पास किसान मजदूर बन जाएगा। अखिलेश जी वहाँ पर 19 किलो मटर मिलता था तो मजदूरों की और काटों की हालत अच्छी नहीं है। अखिलेश जी इस सरकार में हर व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा है लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोकतंत्र सुरक्षित मिलेगा कि नहीं रहेगा। सबसे बड़े सवाल खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी अपनी तरफ से कोई मदद करने वाले तो एक नाली सरकार को मदद करना चाहिए, हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार को की मांगों को मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आने का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी आने का कार्यक्रम है, आपको क्या लगता है कि आंदोलन लंबा खींचेगा? पहले दिन से घटनाएं उत्तर प्रदेश में शामिल होते हैं। अभी पंचायत का चुनाव सबने देखा है कि किस तरीके से पुलिस भवन लगाओ चुनाव जिताने में लगी थी। अच्छे अधिकारी हैं उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है और जबरदस्ती लोकतंत्र का गला घोटने के लिए ये अधिकारियों के माध्यम से लगातार कौन है बताओ ऊपर से। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से नाराजगी फैली है अब कम से कम सरकार को समझ में आएगा। ये हिटलरशाही किसी ने नहीं देखी होगी, ऐसी हिटलरशाही जहाँ पर गाड़ी किसानों पे चढ़ा दी गई हो, अधिकारी पुलिस के लोग उन्हें बचा रहे हैं जो पुलिस के लोग अन्याय कर रहे हैं। कौन नहीं जानता गोरखपुर में पुलिस कमरे में गई और व्यापारी को पीट पीट करके मार दिया, ये हत्या की गई। पहले व्यापारी की हत्या हुई अब किसानों की हत्या हो गई। इससे पहले आप जानते होंगे लखनऊ में एक बहुत बड़े मल्टी नेशनल कंपनी के जो अधिकारी थे उनकी हत्या हो गई और ये हत्याएं हो रही हैं लगातार। अखिलेश जी सरकार ने मृतक के आश्रितों को अखिलेश जी जो गाड़ी चलाई गई है थाने के सामने ये मान लीजिए पुलिस नहीं चलाई और पुलिस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, किसान के आंदोलन को दबाना चाहती है। लेकिन किसान जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे किसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। मेरा मोबाइल उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी का सहाया होगा। अखिलेश जी सरकार ने सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव को बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जो है वो